कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस सीरीज में अब हमारा अगले क्या पढ़ रहे थे अभी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसी में आगे देखते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और एक और आखिरी फार्मूला बचा है जिसका यूज़ करते हैं निकालने के लिए सॉल्यूशन, वो भी देखेंगे हम लोग। क्या है फार्मूला, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। फार्मूला भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ही देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर इक्वेशन दे रखी होगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी यानी कि सॉल्यूशन होंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट रख के भी इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक्सरसाइज पे, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हम लोगों ने अब पहले ही क्वेश्चन का देखते हैं, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। इसमें थर्ड पार्ट में देखिए कह रहा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये कह रहा है कि नहीं। अब देखिए हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना होता था, कंप्लीटिंग से करना चाहे कंप्लीटिंग से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख के करना चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, लेकिन हमको मेथड इसमें कह रखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो इसको देखिए, पहला टर्म हमारा स्क्वायर बन जाएगा, किसका बनेगा, टू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमको टू ए बी लिखना होता है ना, तो टू इंटू टू एक्स इंटू बी। अब बी हम लोग ऐसा क्या लें कि फोर रूट थ्री एक्स आ जाए, यानी कि रूट थ्री लेना पड़ेगा तभी फोर रूट थ्री एक्स आएगा, है ना, फोर रूट थ्री एक्स। तो अब ये बी की वैल्यू पता चल गई, तो बी की वैल्यू को हम लोग एक बार ऐड करते हैं उसका स्क्वायर, और उसकी का स्क्वायर एक बार माइनस करते हैं इक्वेशन में, तो प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, और क्या बचा हम लोग का, प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया। इतना हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्या बन गया हमारा, इतना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख लेंगे, तो टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आएगा हमारा, ये देखिए प्लस माइनस का है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा, टू एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, देखिए टू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और टू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, इससे भी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, तो माइनस रूट थ्री अपॉन टू इसके रूट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह पहले वाले के जो बचे हुए दो क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा। जैसे फोर्थ वाला देखिए, इसमें टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर दे रखा है, तो सबसे पहले तो टू एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर है,
रूट टू एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा, लेकिन इसको आसान करने के लिए इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का टू एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा करिएगा। अच्छा नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताइएगा या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री। पहले तो इसको इक्वेशन बना लेंगे, पहले इस सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले एक्स कॉमन ले लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वन है तो मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, तो इधर थ्री हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स हो जाएगा, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक। अब माइनस बी हम लोग निकाल लें, इसमें क्या होगा, बी की वैल्यू क्या आएगी इसमें, माइनस थ्री। बी क्या है हमारा, बी है हमारा माइनस थ्री, ए क्या है हमारा वन, और सी क्या है माइनस वन। ए क्या है वन और सी क्या है माइनस वन, इसमें रख देंगे हम लोग तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी इंटू वन इंटू माइनस वन, यही तो होगा अपॉन टू है, यानी कि टू इंटू वन। तो क्या आएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट नाइन, और नाइन प्लस फोर अपॉन टू, ये हो गया। तो थ्री प्लस माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू, ये हमारे रूट आ गए दोनों, ठीक है। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार रूट थर्टीन माइनस में ले लेंगे, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग को इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स थ्री ईयर एगो एंड फाइव ईयर एगो फ्रॉम नाउ इज वन अपॉन थ्री। अगर प्रेजेंट एज इसकी हम लोग लेट कर लें, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो तीन साल पहले और पांच साल पहले, कह रहा है तीन साल पहले और पांच साल बाद में जो एज होगी उसका जो सम है, ये कह रहा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज थ्री ईयर एगो। थ्री ईयर एगो कितनी होगी, एक्स थ्री ईयर एगो, थ्री ईयर एगो कितनी होगी, एक्स माइनस थ्री ईयर, और फाइव ईयर फ्रॉम नाउ एक्स प्लस फाइव, यही तो होगा। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना कह रहा है, यानी कि वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, ये दे रखा है हमारा वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम क्या आएगा हमारा, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव आएगा। सॉल्व किया इसको तो एक्स प्लस वाई फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री,
कितना आया? अब देखिए ये 2x हो जाएगा माइनस प्लस 2, तो आएगा 2x प्लस 2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 था ना, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इतना आया। फिर देखिए अब तो क्या आएगा, इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको हम लोग जिस मेथड से करना चाहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहे, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहे, या फैक्टराइजेशन से, ये हो सकता है किसी भी मेथड से। चलिए अब कंप्लीटिंग पढ़ना है तो कंप्लीटिंग ही सही करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो एक्स का स्क्वायर बन गया। फिर क्या होता है हमारा प्लस माइनस, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये b वाला टर्म हो गया, b वाला 2 आया ना, तो माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए हमारा a प्लस बी वाला अभी तक आ रहा था, ये अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इस फॉर्म में है। देखिए यानी जो ऊपर वाला यहाँ तक है, यहाँ तक ये हमारे इस फॉर्म में है ना। चलिए अब देखते हैं, ये लिख लें एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 आएगा ना इसका, माइनस 21 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, फिर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25, तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक बार 5 लेंगे और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5 लेंगे एक बार, तो एक्स की वैल्यू एक बार 7 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू एक बार माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए यार आज यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।